नहीं रहे नेताजी। भारतीय राजनीति के प्रमुख एक अध्याय का अंत हो चुका है। अपनी समाजवादी विचारधारा के लिए हमेशा याद रखे जाने वाले नेताजी का निधन हो गया है। नेताजी कई वर्षों से बीमार चल रहे थे, पिछले दिनों से मेदांता में एडमिट थे। एक अक्टूबर को तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। तब से नेताजी वेंटिलेटर पर थे। पहले कई बार वो मेदांता में एडमिट हुए, पर हर बार वो मौत को मात देकर वापस आ जाते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुलायम की तबीयत की जानकारी मिलते ही भाई शिवपाल, लखनऊ से अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव, साथी प्रतीक यादव और अपर्णा यादव गुरुग्राम मेदांता पहुंचे और पिछले सप्ताह भर से मेदांता में ही मौजूद थे। उनकी सलामती के लिए सैफई के साथ पूरे प्रदेश में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। एक दिन तो तय होता है एक मनहूस खबर के आने के लिए, और वो आई। अपने साथ भारतीय राजनीति का एक अध्याय समाप्त कर गई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति में कई बातों के लिए याद रखे जाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने एक विचारधारा को एक पार्टी का रूप दिया और इस पार्टी को इस कदर मजबूत किया। उन्होंने यूपी में अच्छे अच्छे राष्ट्रीय दलों को मात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत देश की कई हस्तियों ने उनके स्वस्थ होने की कामना की थी।